ओके बिस्मिल रहमान स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 32। अ 45 ईयर ओल्ड वुमन जिसको हमारे पास रेमेटाइड आर्थराइटिस यानी कि उसको घुटनों की डिजीज़ है, उसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल बहुत ज़्यादा ले रही है 2 साल से। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर वो ज़्यादा ले रही है तो उसके हमारे पास कोर्टिसोल के लेवल हो जाएंगे हाई, तो उसको कौन सी डिजीज़ होगी? कुशिंग सिंड्रोम, एहेट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम। इसके मजीद कॉजेज़ क्या है हमारे पास? एक है ACTH डिपेंडेंट कि हमारे पास पाइचुट्री के अंदर ट्यूमर हो, या फिर हमारे पास कोई और किसी और जगह पर हमारे पास ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो, या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा हमारे पास ACTH इंडिपेंडेंट कौन से हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स का एडिनोमा हो, एड्रीनल कैंसर हो, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो ले रही हो, ये कॉजेज है हमारे पास। या फिर हमारे पास अल्कोहल इंड्यूस सूडो कुशिंग सिंड्रोम हो, इन सब केसेस के अंदर हमारे पास होगा कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन वगैरह सब ज़्यादा होता है। ब्रीफली हमने बताना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्ब्स मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे हमारे पास ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा हेपेटिक जो है प्रोटीन के कराते हैं डिग्रेडेशन और उनको लेकर जाते हैं लिवर के पास, लिवर में जाकर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये कहते हैं कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करते हैं बाय नंबर एक तो अमीनो एसिड से ग्लूकोज बना के ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, दूसरा ये हमारे पास क्या करते हैं सेल्स को ग्लूकोज के लिए इंपरमेबल बनाते हैं, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं, सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को कम कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास हार्मोन हमने नेम लेने हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट हो रहे हैं, थायरोक्सिन T3 और कैल्सिटोनिन, और एक्सप्लेन करने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, सेल को क्रॉस करके वो आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे होते हैं रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड करके बना लेते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मूव करता है, डीएनए पे जाके बाइंड करता है, और डीएनए के ऊपर बाइंड करने के बाद ये मैसेंजर आरएनए ज्यादा बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन को ज्यादा करता है, और मैसेंजर आरएनए जो है वो वापस बाहर आकर साइटोप्लाज्म में दोबारा से राइबोसोम के पास जाता है, वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन बनाता है, ट्रांसलेशन करता है, और ये प्रोटीन जो है ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो एक्ट करते हैं। 45 ईयर ओल्ड लेडी है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रही हैं, और यही ये वही क्वेश्चन है जो भी अभी हमने किया, कुशिंग सिंड्रोम है उन्हें, और उनको हमारे पास फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ डेवलपिंग हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपरटेंशन उन्हें क्यों हो रही है, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमारे पास कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा होने से उन्हें हाइपरटेंशन हो रही है, कोर्टिसोल ज्यादा होने से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है, और हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है उन्हें। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये मैं बता दिए कि हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन्स को कैटाबोलाइज करा के ब्लड के अंदर अमीनो एसिड लेवल को बढ़ाता है, और फिर उनको लिवर में जाकर इनकॉर्पोरेट करा के प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है और ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एक मिस्टर थे मिस्टर बी जो कि हमारे पास अपनी हाइट को लेकर एक्स्ट्रा, उनकी हाइट जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट थी, और 12 साल के वो थे, और उनके जो हैंड्स और फीट वगैरह थे ये बहुत लार्ज थे, लैब इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उनका नॉर्मल सीरम ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है। अब क्या कंडीशन है, डायग्नोसिस क्या है, जाइजेंटिज्म। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने से टिश्यूज जो है सारे के सारे बॉडी के रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, हाइट इंक्रीज कर जाती है बंदे की, अप टू 8 फीट टॉल हो जाते हैं, और जॉइंट्स जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं क्योंकि बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगर हैंड जो है वहाँ पे पैंक्रियाज उनकी जो है वो डिजनरेशन को उनकी डिजनरेशन हो सकती है, और ओवर एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि हमारे पास जॉइंट है, बॉडी प्रोटीन्स बन रही है, बॉडी प्रोटीन्स बन रही है तो हमें ग्लूकोज वगैरह मुसलसल चाहिए ब्लड के अंदर, उनके जो आइलेट्स ऑफ लैंगर है ना वो डिस्ट्रॉय हो गए ओवर एक्टिविटी की वजह से, हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से, तो हमारे पास बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया, इस तरह से उन्हें डायबिटीज भी हो सकती है। 10% ऑफ जॉइंट जो है उनको फुल ब्लोन डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो जाती है। मोस्ट जॉइंट्स के अंदर हमारे पास पैन हाइपरपाइट्यूटरीज्म डेवलप हो जाता है। पैन हाइपरपाइट्यूटरीज्म क्या है कि अगर उनको अनट्रीटेड रखेंगे तो जाइजेंटिज्म से ट्यूमर डेवलप हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन की जाती है जिससे ट्यूमर पाइट्यूटरी ग्लैंड डेवलप हो जाएगा, जिससे हमारे पास जो है तमाम पाइट्यूटरी हार्मोन्स की हो जाएगी डेफिशिएंसी और डेथ इन अर्ली एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म के अंदर होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है, ड्वार्फिज्म होती है, और ओबेस स्टॉकी अपीयरेंस होती है, टंग बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, वो हमारे पास स्वेलोइंग और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन। एल्डोस्टेरोन क्या कराता है हमारे पास? सोडियम की कराता है रीअब्सॉर्प्शन, पोटेशियम की कराता है सेक्रीशन, और हाइड्रोजन की भी सेक्रीशन कराता है। एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट कराता है स्वेट ग्लैंड्स के अंदर और सैलरी ग्लैंड्स के अंदर इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, जिससे डिक्रीज करता है सोडियम कंटेंट को, इंक्रीज करता है पोटेशियम को इन द सेक्रीशन, यानी कि हमारे पास इन सारे ग्लैंड्स में यही काम कराता है कि सोडियम को कंजर्व कराता है, पोटेशियम के एक्सक्रीशन कराता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन जो है बीपी को रेगुलेट कराता है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और आर्टेरियल प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट क्या है कार्ब्स पे? कार्ब्स के अंदर ये हमारे पास पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को डिक्रीज करते हैं, ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि ग्लूकोजेनेसिस कराते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद ये हमारे पास अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल को डिक्रीज करते हैं, जिससे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है, और ये इंसुलिन की सेक्रीशन को बढ़ाते हैं और डायबेटोजेनिक है क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज ब्लड में एज रिजल्ट ऑफ ऑल दिस ज्यादा हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक 50 ईयर ओल्ड मैन है, उन्होंने अपने फिजिशियन से कंसल्ट किया, उन्होंने कंप्लेन उनकी क्या है कि इंक्रीज वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, थर्स्ट, इंक्रीज एपेटाइट, ये सारी बातें हमें बता रही कि उनको डायबिटीज मेलाइटिस है। अब उनका फीचर्स हमने देखने हैं, फ्रॉम विच डिजीज ही सफरिंग, ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस। वेट इज अ पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी और एपेटाइट और थर्स्ट, ये सारी चीजें क्यों बढ़ रही है? ग्लूकोज जो है वो हमारे पास डिफ्यूज नहीं करती सेल मेम्ब्रेन से और एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड में रहती है, एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड में रहती है तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देती है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाती है तो हमारे पास वाटर जो है वो सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारे पास हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर फिल्टर आउट होता है और उसकी रीअब्सॉर्प्शन होती है कम। ग्लूकोज जो है अपने साथ साथ वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करा लेती है, मतलब यूरिन के अंदर खींच लेती है, ग्लूकोज भी लोगी यूरिन से तो हमारे पास साथ में होगा मैसिव लॉस ऑफ वाटर, इस तरह हमारे पास होगी एक्सेसिव यूरिनेशन, एपेटाइट को इंक्रीज। हमारे पास जब
ग्लूकोज की अपटेक बाय द सेल इंपेयर्ड हो जाएगी, तो सेल्स को ये लगेगा कि बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, हमें ग्लूकोज चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो वो मजीद की डिमांड करेंगे, जिससे हमारे पास एपेटाइट आएगी, यानी कि एपेटाइट सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे। इसके बाद हमारे पास इंक्रीज उनको थर्स्ट क्यों होगी, क्योंकि यूरिन के अंदर ग्लूकोज के साथ वाटर भी लॉस हो रहा है, तो हमारे पास उनको इंक्रीज थर्स्ट की कंडीशन आएगी। मजीद क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास साथ में कीटो एसिडोसिस हो सकती है, डायबिटिक नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि हमारे पास ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स के डैमेज होंगे, माइक्रोवेस्कुलर न्यूरोपैथिस, यानी कि जो हमारे पास दूर के एरियाज हैं लाइक हैंड्स हैं फीट हैं उधर होगी न्यूरोपैथी, वहाँ पे न्यूरॉन्स जो हैं वो खराब होंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिस्फंक्शन होगा, इससे हमारे पास क्या होगा कि सीवियस रिफ्लेक्सेस, ब्लैडर कंट्रोल इंपेयर हो जाएगा और हमारे पास सेंसेशन जो है वो एक्सट्रीमिटीज की वो खराब होगी। इसके बाद होगी एंड स्टेज की किडनी डिजीज, नेफ्रोपैथिस होगी, ब्लाइंडनेस, रेटिनोपैथिस होगी, डायबिटिक फुट के अंदर हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास पैर पर कोई चोट वगैरह लग रही है डायबिटिक पेशेंट के, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि चोट लगी है। इसके साथ हमारे पास डर्मेटोपैथी, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगी कि उनको सेरिब्रोवेस्कुलर स्ट्रोक होगा, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक, और सीवी यानी कि कार्डियोवेस्कुलर हार्ट अटैक होगा, और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस लाइक इस्कीमिया, गैंग्रीन इन द लिम्स, ये कंडीशंस डेवलप हो। इसके बाद फिर से हमारे पास एक 14 ईयर ओल्ड बॉय है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया कंडीशंस तो वही डायबिटीज वाली, और एपेटाइट वगैरह भी इंक्रीज हो गई है, और उसका ब्लड शुगर लेवल कितना है 450 ml। डायग्नोसिस क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ये होता है, इंसुलिन जो है वो हमारे पास ग्लूकोज को अपटेक कराता है बाय द फैट सेल, फैट सेल जब हमारे पास ग्लूकोज को अपटेक कर लेते हैं तो उन ग्लूकोज से बन जाता है फैटी एसिड इन द लिवर एंड फैट सेल, फैट जो है वो हमारे पास फैट की सिंथेसिस लीवर और फैट सेल के अंदर जब ज्यादा होती है तो फॉस्फोलिपिड्स जो है और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी लीवर के अंदर ज्यादा होती है, इससे हमारे पास स्टोरेज होगी फैट की इन द एडिपोस टिश्यू, इंसुलिन ये सारे काम करेगा और इनहिबिट क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट सेल, यानी कि सारे के सारी डिपोजिशन कराएगा फैट की और उसकी ब्रेकडाउन को रोकेगा इंसुलिन। और उसके बाद हमारे डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन फैट और इसके टारगेट सेल पे इसका इफेक्ट क्या है। इंसुलिन जो है वो हमारे पास टायरोसिन काइनेज पाथवे से वर्क करता है, इसके ऊपर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर जो है इनके अल्फा सब यूनिट जो है वहाँ पे जाकर इंसुलिन बाइंड करता है, वहाँ उसकी वजह से हमारे पास जो है ऑटोफॉस्फोरिलेशन और एक्टिवेशन होती है बीटा सब यूनिट की, वो बीटा सब यूनिट जो है वो इंसुलिन वो स्टिमुलेट करते हैं एक प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को, टायरोसिन काइनेज जो है वो हमारे पास बिगिन करती है कैस्केड ऑफ सेलुलर फॉस्फोरिलेशन, वो क्या कराती है एंजाइम को एक्टिव या डीएक्टिव करके उनकी फॉस्फोरिलेशन करा के उनको या तो एक्टिव कराती है या डीएक्टिव कराती है, और वो कराती है इंसुलिन रिसेप्टर के सब्सट्रेट बनाती है, और हमारे पास वो ग्लूकोज के इफेक्ट्स, ग्लूकोज फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट्स को हमारे पास खराब करती है, और हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे चले जाते हैं, इसकी वजह से इंसुलिन का रिएक्शन क्या होता है कि वो ग्लूकोज को एंट्री कराते हैं इनटू द सेल, तो इस तरह हमारे पास ग्लूकोज के जो टायरोसिन काइनेज जो है वो हमारे पास ग्लूकोज के रिसेप्टर बनवा के उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट। फिर से सेम क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास डायबिटीज मेलिटस है, पोलीयूरिया, थर्स्ट, डिहाइड्रेशन वगैरह तो हमने देख लिया, वेट लॉस क्यों हो रहा है, ग्लाइकोजन के डिप्लीशन की वजह से, ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, और मसल मास अमीनो एसिड्स की वजह से रिड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो स्पेयर हो रहा है, तो बाकी दोनों चीजें यूज होंगी जिसकी वजह से होगा वेट लॉस, और फ्लूइड डिप्लीशन वगैरह की वजह से भी होगा वेट लॉस, और एक्सेलरेटेड ब्रेकडाउन फैट और मसल जो है वो हमारे पास इंसुलिन डेफिशिएंसी के अंदर कॉज होते हैं, जो कि डायबिटीज मेलिटस में कॉज हो रही है। इसके अलावा एसीटोन ग्रेथ की क्या कॉज है, एसीटोएसिटिक एसिड की लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होती है, जो कि हैं कीटोन बॉडीज जो हैं उनके अंदर से हमारे पास एसीटोन जो है वो वोलेटाइल एसिड होता है और वेपराइज होता है एक्सपायर्ड एयर में, और एसीटोन ब्रेथ आती है, फ्रूटी स्मेल। क्वेश्चन कि हमारे पास यूरिन जो है एक्सेसिव अमाउंट में बन रहा है और थर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है और हमारे पास रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है साथ में, अब हमारे पास कंडीशन तो वही है कि डायबिटीज है, लेकिन अब डायबिटीज जो है वो हमारे पास कौन सी है, डायबिटीज इंस्पाइडस क्यों है, क्योंकि हमारे पास एडीएच डेफिशिएंट है, उस आदमी के साथ क्या हुआ कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, उसके जो थेरेपिस्ट या डॉक्टर था उसने उसको कहा कि वो वाटर रिस्ट्रिक्शन पे रहेगा, वाटर रिस्ट्रिक्शन पे रहने के बावजूद भी उनको एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही है, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास डायबिटीज इंस्पाइडस एडीएच जो है वो डेफिशिएंट है, एडीएच जो है हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है मेनली, और ये हमारे पास पैराविंटिकुलर न्यूक्लियस के अंदर भी बन सकता है, इसकी सेंसिस के बाद हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक जो है इसको प्री प्रो हार्मोन की फॉर्म में पैक करेंगे, फिर इसका क्लीवेज करके प्रो हार्मोन बनेगा, प्रो हार्मोन के बाद ये गॉल्जी ऑपरेटिस के बाद जाएगा पैकिंग के लिए, फिर हमारे पास जो है वो स्टोर हो जाएगा इन द पोस्टीरियर पैचुट्री, एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पैचुट्री में जब स्टोर हो जाएगा न्यूरोफाइसेंस की फॉर्म में, तो हमारे पास जब वाटर की हमने कंजर्वेशन करानी है तो एडीएच को रिलीज करेंगे, व्हेन सुप्राऑप्टिक एंड पैराओर्टिकुलर न्यूक्लियाई आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी जब बॉडी की इंक्रीज होगी तो हमारे पास जो है कैल्शियम वगैरह जो है उसका होगा इन्फ्लक्स, जिसके सेक्रेटरी वेसिकल्स जो है फ्यूज करके हमारे पास एक्सोसाइटोसिस से जो है पोस्टीरियर पैचुट्री के हार्मोन्स को बाहर निकालेंगे एडीएच को, एडीएच का एक्शन क्या है वो हमारे पास कराता है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स, और कंस्ट्रक्शन कराता है आर्टरियोल्स की इन द बॉडी, जिससे आर्टेरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ये सारा इसका सेंसेस स्टोरेज और रिलीज और एक्शन वगैरह का काम, जो इस सारे स्नैरियो के अंदर हमारे पास डेफिशिएंट, जिसकी वजह से उस अंकल को एडीएच की कमी की वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन आ रहा है, यहां तक कि उसके डॉक्टर ने उसे वाटर डेफिशिएंट रखा हुआ है फिर भी उसको एक्सेसिव यूरिन आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसे डायबिटीज इंस्पाइडस है। ट्रीटमेंट क्या है, हमने उसको एडजस्टेंट एडमिनिस्टर करना है सिंथेटिक एडीएच एनालॉग लाइक डेस्मोप्रेसन।